यार बच्चों, तो आप लोगों ने पढ़ा अपने भारत देश के बारे में? कितना महान है हमारा भारत। हमारे भारत राष्ट्रीय की भावना की सर्वोपरि है। अनेकता में एकता, भारत की विशेषताओं का ज्ञान, कितना है अच्छा भारत। आप लोगों ने ये भी देखा कि हमारे भारत में कौन कौन से नृत्य है, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक, उसके बाद तरह तरह के खान पीन के बारे में जाना, तरह तरह के व्यंजन आपने जाना, कहाँ पे कौन से व्यंजन खाए जाते हैं, मंदिर मस्जिद के बाद में जाना, उसके बाद आपके हमारे जो भारत राज्य है, भारत देश है, उसमें कितने राज्य है, 29 राज्य है, और कितने केंद्र शासित राज्य है, 7। तो आप लोग ने बहुत सारे जानकारी लिए, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं कुछ प्रश्न उत्तर की तरफ। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस जितने क्वेश्चन है सब आपके पुस्तक से संबंधित है, तो आप लोग इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे चैप्टर को, तो इसका सब आंसर इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर क है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, पता है आप लोगों को? तो है आपका 7वां। कौन सा? तो 7वां, सातवां में इसका AI स्पीकिंग स्किल है, तो यहाँ पे भी इसका आंसर लिख सकते हैं 1 वर्ड्स में, 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? किसके जनसंख्या, तो जनसंख्या की दृष्टि से कितना है, दूसरा, दूसरा। पहला स्थान पे कौन है जनसंख्या दृष्टि से, पता है आप लोग को? चीन। अब है धरती का स्वर्ग, धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है, आप लोगों ने अभी बुक में पढ़ा था, कश्मीर को। किसको? कश्मीर को। अब है सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। बादलों का घर, बादलों का घर के नाम से किसे जाना जाता है? असम को, अरुणाचल प्रदेश को, मणिपुर को और मेघालय को। तो कौन होगा इसमें से राइट आंसर? मेघालय। अब है समुद्री तटीय क्षेत्रों के निवासियों का प्रिय भोजन क्या होता है? दाल बाटी चूरमा, ये तो कहाँ का है, राजस्थान का। मछली चावल, हाँ ये है मछली चावल। लिट्टी चोखा है उत्तर प्रदेश, और नान सब्जी भी है नॉर्थ इंडिया का, उत्तरी भारत का। आधुनिक युग में भारत ने किस ग्रह का अपना यान सफलतापूर्वक, आधुनिक युग में भारत ने किस ग्रह पर अपना यान सफलतापूर्वक भेजा? किस ग्रह पर, बुध, शुक्र, मंगल या शनि? तो मंगल ग्रह पे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मैं इसी पाठ से संबंधित आज आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रही हूँ, देख लीजिए एक बार ध्यान से। ये होमवर्क आपको घर से अपने आप लिखना है, मैं क्वेश्चन आपको लिख के दे रही हूँ, क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उत्तर आपको अपने आप लिखना है। तो क्वेश्चन है नंबर 1, सबसे ज्यादा ठंड किस राज्यों में पड़ती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने भी पढ़े हैं। नंबर 2 है, कौन कौन से राज्यों में भयंकर गर्मी पड़ती है, उस राज्य का नाम लिख देना है, ये भी आपको मैं अभी पढ़ाई हूँ। नेक्स्ट है नंबर 3, धरती का स्वर्ग किसे कहा गया है? धरती का स्वर्ग किसे कहा गया है? नंबर 4, बादलों का घर किसे कहा गया है? एंड लास्ट क्वेश्चन है, हमारे भारत देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित राज्य है? ये जो जितने मैंने 5 क्वेश्चन लिखाए हूँ, इसका आंसर बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। तो आप लोग अच्छी राइटिंग में सबसे पहले बुक रीड करेंगे, बुक रीड करने के बाद इसमें जो क्वेश्चन है उसका आंसर ढूंढेंगे, उसको अपनी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करेंगे, और उसके बाद उसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है।
तो बहुत ही आसान है। तो चलिए आप लोग अपना वर्क कल कंप्लीट करके आइएगा। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो भेज रही हूँ जो दिल्ली शहर का है। इस बार हम लोग कोरोना के कारण कहीं भी घूमने नहीं जा पाए, तो नेक्स्ट ईयर घूमने चल जाएंगे। तो चलिए दिल्ली में कौन कौन सी प्रसिद्ध जगह है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो लीजिए आप लोग देखिए वीडियो। 90 एकड़ में फैला एक विशाल पार्क है। यहाँ लोदी वंश के कई स्मारक हैं। लोदी गार्डन में सुबह व शाम की सैर का आनंद बहुत ही सुकून भरा एहसास देता है। ये जगह प्रकृति प्रेमियों को अत्यंत पसंद आएगी। नंबर 9, नेहरू प्लेस। दिल्ली के दक्षिणी भाग में मौजूद नेहरू प्लेस इंडिया की सबसे बड़ी आईटी मार्केट है। यहाँ पर मोबाइल और कंप्यूटर की हजारों दुकानें हैं। यहाँ पर हर तरह की डिजिटल प्रिंटिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम होता है। अगर आप एक नवयुवक हैं जिसके लिए टेक्नोलॉजी काफी मायने रखती है, तो आपका यहाँ आना तो बनता है। नंबर 8, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा मुगल शासक हुमायूं के साथ साथ अन्य शासकों की समाधि है। ये स्मारक फारसी वास्तुकला का एक उत्तम नमूना है। ये मकबरा पहला ऐसा स्मारक है जहां लाल पत्थर को इतने विशाल पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। हुमायूं के मकबरे को यूनेस्को द्वारा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। नंबर 7, लाल किला। शाहजहां द्वारा बनाया गया लाल किला शहर के मध्य में स्थित है। ये वो जगह है जहां से भारत के प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त को भारतवासियों को संबोधित करते हैं। लाल किले में कई गुंबजदार इमारतें हैं जिन्हें महल कहा जाता है। इनमें से कई महलों की दीवारों पर हीरे जवाहरात जड़े थे जिसे अंग्रेजों ने लूट लिया। नंबर 6, कुतुब मीनार। दिल्ली के मेहरौली इलाके में मौजूद कुतुब मीनार एक 73 मीटर ऊंची लाल पत्थर और संगमरमर से बनी 5 मंजिला मीनार है। कुतुब मीनार परिसर में एक लोहे का खंभा है जिसके लिए कहते हैं कि अगर कोई पीट करके इसके चारों ओर हाथ से पकड़ ले तो उसके जीवन में कुछ अच्छा होता है। इस जगह को अमिताभ बच्चन की फिल्म चीनी कम में दिखाया गया था। नंबर 5, चांदनी चौक। चांदनी चौक भारत की सबसे पुरानी और व्यस्त बाजारों में से एक है। ये बाजार लाल किले के इर्द गिर्द फैली हुई है। लड़कियों में चांदनी चौक एक बहुत ही लोकप्रिय जगह है क्योंकि यहाँ सजने संवरने की सैकड़ों दुकानें मौजूद हैं। यहाँ थोक व्यापार होने की वजह से देश के कोने कोने से कारोबारी यहाँ आते हैं। यहाँ की पराठे वाली गली खान पान के शौकीनों के लिए काफी मायने रखती है। चांदनी चौक की परिकल्पना शाहजहां की बेटी जहानारा ने की थी। नंबर 4, इंडिया गेट। इंडिया गेट पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए 82,000 भारतीय जवानों की याद में समर्पित एक शहीद स्मारक है। इन जवानों के नाम इस स्मारक के पत्थरों में अंकित हैं। इस इमारत के मध्य में अमर जवान ज्योति नामक चबूतरा है जहां पर 4 दिए सदैव जलते रहते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर हर साल यहां से परेड गुजरती है। इंडिया गेट के आसपास कई पार्क मौजूद हैं जहां पर शाम को काफी लोग आते हैं। नंबर 3, बांग्ला साहिब गुरुद्वारा। बांग्ला साहिब सिखों के 8वें गुरु गुरु हर कृष्ण जी से संबंधित एक काफी बड़ा गुरुद्वारा है। बांग्ला साहिब वास्तविक में 17वीं सदी के शासक राजा जय सिंह का बंगला था जिसे बाद में यहाँ ठहरे गुरु हर कृष्ण जी के इलाज की चमत्कारी शक्तियों की वजह से एक गुरुद्वारे में बदल दिया गया। इस गुरुद्वारे में पानी का एक सरोवर मौजूद है जिसमें अनेक मछलियां पलती हैं और जिसका पानी बहुत ही पवित्र माना जाता है। नंबर 2, अक्षरधाम। अक्षरधाम का अर्थ है भगवान का घर और ये एक मंत्र मुक्त कर देने वाला अति विशाल मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण वास्तु शास्त्र और पंचरत्न शास्त्र के अनुकूल किया गया है। इस मंदिर का मुख्य भवन 43 मीटर ऊंचा, 96 मीटर चौड़ा और 109 मीटर लंबा है। अक्षरधाम में शाम को एक आश्चर्यचकित कर देने वाला फाउंटेन शो होता है जिसमें एक इंसान के पैदा होने से मृत्यु तक के जीवन काल को पानी और रोशनी के अद्भुत मिलाप से दर्शाया जाता है। कहा जाता है दिल्ली में आने वाले 70% पर्यटक अक्षरधाम जरूर जाते हैं।
नंबर एक, कैनॉट प्लेस मार्केट। कैनॉट प्लेस या फिर यहाँ की भाषा में कहा जाने वाला सीपी दिल्ली का एक चहलकदमी से भरपूर इलाका है। ये जगह दिल्ली में दोस्तों के मिलने की एक डिफॉल्ट जगह होती है। यहाँ पर जहाँ एक तरफ महंगे महंगे शोरूम्स हैं, वहीं दूसरी ओर पालिका बाजार है, जहाँ पर भारी मोल तोल करके आप साजो सामान खरीद सकते हैं। कैनॉट प्लेस के मध्य में सेंट्रल पार्क है, जहाँ पर 207 फीट ऊंचा भारत का ध्वज लहराता है।